माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि भारत सरकार के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री परमादरणीय श्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन में महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री मुकुल गोयल जी, कुलपति राष्ट्रीय न्यायालय एवं विज्ञान विश्वविद्यालय डॉक्टर जैन ब्यास जी, आज के समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारीगण और लखनऊ से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से देश के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस को और उत्तर प्रदेश को एक महत्वपूर्ण संस्थान का शिलान्यास कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय गृह मंत्री जी का 2019 में गृह मंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के एक कार्यक्रम में आगमन हुआ था और उस समय उन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों में वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रख करके, अपराध की बदलती हुई प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए आज के अनुसार एक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस के गठन का एक सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से, माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार इस एक नए इंस्टीट्यूट का गठन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ी है और आज माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस के शिलान्यास का एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का उत्तर प्रदेश पुलिस बल की ओर से और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बदहाल थी। उत्तर प्रदेश में आधी से अधिक जगह उत्तर प्रदेश पुलिस बल की खाली पड़ी हुई थी और माफिया राज इस कदर हावी था कि जिस भूमि पर हम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस की स्थापना कर रहे हैं, 142 एकड़ की इस भूमि पर लखनऊ के एक माफिया ने कब्जा करके वो प्लॉटिंग कराने जा रहा था
और जब मेरे संज्ञान में बात आई तो मैंने स्वयं इस बारे में इसका संज्ञान लेकर के कहा था कि वे इसका कोर्ट में पैरवी करके पुलिस इसमें स्वयं पार्टी बने और इसे मुक्त करा करके हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश के बारे में सोचा है कि हाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो, उत्तर प्रदेश देश के अंदर अर्थव्यवस्था के लिए एक नया संबल प्रदान करने के लिए आगे आए और उसकी एक नई शुरुआत हम इस भवन यहां से करेंगे। और जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें पार्टी बनी वो माफिया स्वयं उससे हट गया और 142 एकड़ भूमि आज उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुई। उसी भूमि पर आज हम लोग इस उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना की कार्रवाई माननीय गृह मंत्री जी के करकमलों से शिलान्यास कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विगत सवा चार वर्ष के दौरान जो परिवर्तन देखने को मिला है इसके पीछे प्रेरणा माननीय गृह मंत्री जी की है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के रूप में 2014 में जब उन्होंने यहां पर कार्य प्रारंभ किया था और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहां के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाते हुए उन्होंने अपना यशस्वी नेतृत्व प्रदान किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से, आज उत्तर प्रदेश में विगत सवा चार वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वह परिवर्तन किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उसी परिवर्तन की अगली कड़ी में न केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना बल्कि अपराधों को रोकने, अपराध करने वालों को सजा दिलाने और आधुनिक तकनीक वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हुए उच्च कोटि के प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सके, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश पुलिस अब नए सिरे से कार्य करती हुई दिखाई दे रही है और उसी तकनीक को अपनाने उत्कृष्ट वैज्ञानिकों की एक नई फौज खड़ी करने के उद्देश्य से हम लोग आज यहां पर इस सेंटर का शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान पेशेवर माफिया और गैंगस्टर से 1584 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी उनकी जब्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। आम नागरिक भयमुक्त वातावरण में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और बहन और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज हो, यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी, यही माननीय गृह मंत्री जी ने 2014 में 2017 में उत्तर प्रदेश वासियों को इसी बात का आश्वासन दिया था। आज जब इस अत्याधुनिक केंद्र के शिलान्यास के कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश पुलिस बल को और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को प्राप्त हो रहा है, इस अवसर पर अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद, मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद माननीय गृह मंत्री जी ने अपना बहुमूल्य समय उत्तर प्रदेश को दिया है। मैं इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपके प्रेरणादायी संदेश के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री जी से सादर अनुरोध है कि अब आप बटन दबाकर उत्तर प्रदेश के नए स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज के फाउंडेशन स्टोन उसके शिलापट का अनावरण करें।
की नींव रखे जाने के शुभ अवसर पर नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एवं उत्तर प्रदेश के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज के मध्य एक महत्वपूर्ण MOU तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत हमारे इंस्टीट्यूट की स्थापना एवं उसमें होने वाले प्रशिक्षण एवं अनुसंधान हेतु नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फोरेंसिक साइंसेज द्वारा प्रभावी सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फोरेंसिक साइंसेज के माननीय कुलपति महोदय श्री JM व्यास जी एवं उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी से अनुरोध है कि इस MOU का आदान प्रदान करें अतिथि महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमा उपस्थिति में। मुख्य अतिथि महोदय माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने बहुमूल्य विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं तालियों से सर का स्वागत करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, लखनऊ वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसे बोलोगे क्या? यूपी में जिनको सरकार बनाने के सपना आ रहे हैं उनके कान तक ये आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर मेरे साथ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्य के उपमुख्यमंत्री भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री दिनेश शर्मा जी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम कर रही है, ऐसे यूपी भाजपा के अध्यक्ष भाई स्वतंत्र देव सिंह जी, यहां की स्थानीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, उत्तर प्रदेश के DGP श्री मुकुल गोयल जी, उत्तर प्रदेश के अपर सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी जी, आज यहां पर जो इंस्टीट्यूट बनने जा रही है जिसका पूरा इसका मार्गदर्शन, उसकी तकनीकी सहायता और इंस्टीट्यूट के अंदर जो बच्चे पढ़ेंगे उनको फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के साथ संबंध किया गया है, इसके कुलपति डॉक्टर JM व्यास जी और आज यहां पर उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कोरोना काल के कारण बहुत लंबे समय से मैं उत्तर प्रदेश आया नहीं हूं। आज बहुत लंबे समय के उत्तर प्रदेश की भूमि पर आकर आप सब से मिलकर हृदय में अपार हर्ष की और उत्साह की भावना होती। आज लोकमान्य तिलक, उनकी पुण्यतिथि भी है। आज ही के दिन तिलक महाराज ने अपना देह छोड़ा था। आजादी के आंदोलन में तिलक महाराज के योगदान को ये देश, देश की जनता, देश का इतिहास और आने वाली कई पीढ़ियां भुला नहीं सकती। तिलक महाराज ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था, सबसे पहले कहा था, आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और वो नारे ने
उस जमाने में अंग्रेजी शासन की नींव हिलाकर रख दी थी और तिलक महाराज ने उनके समकालीन लाल बाल पाल के ये तीनों विभूतियों ने पूरे भारत में जो आंदोलन खड़ा किया जिसकी नींव पर आज हमारा देश स्वतंत्र बनकर दुनिया के सबसे विकसित देशों की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं आज तिलक महाराज को विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि उनके सिद्धांत और उनकी देशभक्ति का जज्बा आने वाली पीढ़ियां ग्रहण कर देश को आगे बढ़ाती जाए। मित्रों, आज मैं उत्तर प्रदेश में आया हूं। 2013 से 2019 तक 6 साल तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए मैंने बहुत भ्रमण किया है। जिले जिले में गया हूं, तहसील तहसील में गया हूं, असेंबली सीटों का भी दौरा किया है और इसलिए पहले का उत्तर प्रदेश मुझे ठीक तरह से याद है। चाहे पश्चिम के अंदर भय से मारे लोग क्षेत्र छोड़कर जा रहे हों, चाहे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हों, चाहे भू माफिया गरीबों की और सरकार की भूमि को अवैध रूप से अपने कब्जे में लेते हों, चाहे दिन दहाड़े गोलियां चलती हों, चाहे दंगों से ग्रस्त उत्तर प्रदेश हो, 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ठीक बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे। और आज जब मैं 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। यही तो परिचय है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जातियों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें परिवारों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने नजदीक के लोगों के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के सबसे गरीब व्यक्ति के विकास के लिए और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए काम करती। मैं आज जब यहां आया हूं तब कह सकता हूं कि आज विकास की 44 योजनाओं में देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, मैं 44 योजनाओं को गिनना नहीं चाहता। योजनाएं बनाना बड़ा सरल होता है मगर योजनाओं को भूमि पर उतारना, योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचना, इसमें से बिचौलियों को खत्म कर देना और लाभार्थी को बिना कोई कष्ट बिना कोई रिश्वत ये योजना का लाभ मिले, ऐसा तंत्र बनाना बहुत कठिन होता है। योगी जी और उनकी टीम ने पूरे देश के अंदर 44 योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये हम सब के लिए गौरव का बात है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास किया है, चाहे औद्योगिक निवेश करने की बात हो, चाहे योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की बात हो, चाहे कानून और व्यवस्था ठीक करने की बात, चाहे गरीब किसान का ऋण माफ करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का अनाज बिचौलिए के बगैर डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में डालने की बात हो, चाहे हर घर में शौचालय बनाने की बात हो, हर घर विहीन को घर देने की बात हो, 1,47,00,000 महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने की बात हो,
इतने ही घरों के अंदर बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार को नाबूद कर भ्रष्टाचारियों पर भय खड़ा करने की बात हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। और उसी का परिणाम है कि 11 लाख करोड़ से अर्थव्यवस्था जो थी, आज 4 ही साल में 11 लाख करोड़ से बढ़कर 22 लाख करोड़ पर पहुंचकर देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। और मित्रों, कोविड के दोनों लहरों में उत्तर प्रदेश शासन ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है। यहां की आबादी, यहां की जनसंख्या, गांव में फैला हुआ प्रदेश, 22 करोड़ की आबादी, शायद पूरे यूरोप से ज्यादा आबादी अपने उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इसके अंदर बारिश में परंपरा से मिली लचर स्वास्थ्य सुविधाएं, उसको चुस्त करना, दुरुस्त करना और लोगों की सुरक्षा करना, आज वैक्सीनेशन में भी उत्तर प्रदेश देश में सबसे पहले, बेड बनाने भी सबसे आगे है, टेस्टिंग में सबसे आगे हैं, और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षा देने में भी आज आगे हैं। मित्रों, हर क्षेत्र के अंदर ये जो प्रगति हुई मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस प्रकार से संवेदना के साथ जनहित का कार्य कर रही है, उत्तर प्रदेश उसमें सबसे आगे है। मैं मानता हूं कि इसी परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 300 से ज्यादा सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर शासन करने का मौका दिया। और हमने वादा किया था कि शासन कोई एक जाति के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। ये शासन एक परिवार के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। ये शासन चंद बिल्डरों और धनिकों के लिए नहीं होगा, ये शासन सबसे गरीब व्यक्ति के लिए होगा। और आज मैं कह सकता हूं 4 साल के बाद कि हम इस दिशा में काफी आगे बढ़े हैं। मित्रों, आज मैं यहां पर फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के भूमि पूजन के अंदर आया हूं। ये उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस इतने बड़ी भूमि के अंदर एक विशाल संकुल बनाकर आगे बढ़ेगा। आज तो उसका बीजारोपण हुआ है, मगर जब ये वटवृक्ष होगा, अनेक बच्चे यहां से अपनी करियर करेंगे, बनाएंगे, अनेक बच्चे यहां पर अनुसंधान में हिस्सा लेकर न केवल उत्तर प्रदेश, पूरे देश की कानून और व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनने का काम करेंगे। मोदी जी ने गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे, तब विश्व में अपने तरीके की सबसे पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया था, जो गांधीनगर में बनी थी। मेरा सौभाग्य था कि उस वक्त भी मैं गृह मंत्री था, और मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 2019 में, उन्होंने राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई, जो गांधीनगर की यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय फलक पर करने का काम किया। आज इसके साथ ही संबंध उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस यहां शुरू होने जा रहा है, और यहां पर लगभग 200 करोड़ खर्च करा जाएगा, और भारत सरकार ने यहां पर डीएनए केंद्र हेतु एक 15 करोड़ की राशि अनुमानित करी है, जो डीएनए के लिए देश में सबसे आधुनिक और सर्वोच्च संस्थान यहां पर बनाएगा। यहां लगभग 150 छात्र शुरुआत में हर साल ग्रेजुएट होकर बाहर निकलेंगे, और 350 से ज्यादा फैकल्टी भी होंगे। एक प्रकार से फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र के अंदर शोध, अनुसंधान और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये तीनों को समाहित करने वाला इंस्टीट्यूट बनेगा। यहां पर फॉरेंसिक विज्ञान, बिहेवियर साइंस, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ का एक रिसोर्स सेंटर भी
अपने आप में बनकर पूरे उत्तर क्षेत्र के सभी प्रदेशों को न्याय मदद करने का काम करेगा। इस संस्थान के छात्र फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बिहेवियरल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, लॉ, पुलिस साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी फॉरेंसिक साइंस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों में अपनी तजज्ञता प्राप्त करेंगे। और यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ, मुझे पूरा भरोसा है कि योगी जी के नेतृत्व में ये देश भर के पुलिस आधुनिकीकरण के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मित्रों, आज यहां पर जब मैं आया हूं तब मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी ने पूरे देश के कानून और व्यवस्था को बल देने का शुरुआत करी। गृह विभाग में मोदी जी के नेतृत्व में अनेक प्रकार की नई शुरुआतें की। वैसे तो कानून और व्यवस्था राज्यों का विषय है, मगर केंद्र कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले रहा है जिससे समग्र देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति को मजबूती प्रदान हो। जैसे फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर की रचना से आज देश भर में इसके साथ एफिलिएशन प्राप्त कर अनेक कॉलेज शुरू होने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है 2024 के पहले देश के आधे राज्यों के अंदर फॉरेंसिक साइंस कॉलेज की शुरुआत हो गई होगी। और मित्रों, दो सिद्धि का प्रमाण हमारे देश में बहुत नीचा है। कई देश ऐसे हैं, इजराइल जैसे देश इसको 90% तक ले गए हैं। कई देश ऐसे 80%, 70% जो कानून की शिकंजे में आते हैं उनका दोष सिद्ध कर पाते हैं, मगर भारत इसमें पीछे है। इसका मुख्य कारण प्रोफेशनल शिक्षा का अभाव है। और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी वैज्ञानिक आधारों पर गुनहगारों को दोष सिद्धि में न्यायपालिका को मदद करेगी। और मुझे विश्वास है इससे सजा दिलाने का डर तो केवल बढ़ेगा ही, जब सजा देंगे और रिपीटेशन नहीं होगा गुना का, तब गुना का डर भी अपने आप नीचे आ जाएगा। इसके साथ साथ मोदी जी के नेतृत्व में 2020 में हमने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी चालू करी, और ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी देश भर में अपने संबंध कॉलेजों को आगे कोर्स को बढ़ाने का काम करेगी, जिससे हमें ट्रेन मैन पावर मिलेगा। आज पोलिसिंग जो 20 साल पहले कल्पना थी वहां तक सीमित नहीं रहा। जाली नोट, नार्कोटिक्स, नार्को टेरर, टेररिज्म, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, हथियारों की तस्करी, गौ तस्करी, अनेक प्रकार के अपराध ऐसे आ गए हैं जिनके सामने लड़ने के लिए देश के पुलिस बल को सज्ज करने की जरूरत है। और उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की स्थापना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा से गृह विभाग ने करी है। और मैं मानता हूं कि इसी के साथ अगर यहां से एक ट्रेन मानव बल प्राप्त होगा तो वो दिन दूर नहीं है कि हर जिले में उत्तर प्रदेश के एक मोबाइल फॉरेंसिक वाहन हम उपलब्ध करा पाएंगे और रीजनल एफएसएल के सेंटर भी बना पाएंगे। और उसके बाद 6 साल के ज्यादा जिसमें सजा का प्रावधान है, ऐसे हर गुना में एफएसएल को कंपलसरी कर दोष सिद्धि का प्रमाण हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं कई बार कहता हूं पुलिस दो ही कारणों से बदनाम होती है, एक नो एक्शन और दूसरा एक्सट्रीम एक्शन। नो एक्शन भी ठीक नहीं है, अकर्मण्यता कानून और व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकती, और एक्सट्रीम एक्शन भी ठीक नहीं है क्योंकि वो उसकी प्रतिक्रियाएं निर्माण करता है। तो नो एक्शन और एक्सट्रीम एक्शन से निकलकर जस्ट एक्शन की दिशा में, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया की दिशा में पुलिस आगे बढ़े, इसके लिए ये दोनों यूनिवर्सिटियां बहुत बड़ा काम करेगी। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं
कि उत्तर प्रदेश के अंदर मैं अखबारों को पढ़ता रहता हूं, अनेक प्रकार के इधर उधर के बयान आते हैं और चुनाव आने के बाद एक्टिव होने वाले राजनीतिक नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। बाढ़ आती है तो दिखाई नहीं पड़ते, कोरोना आता है तो दिखाई नहीं पड़ते। जब किसानों का अनाज आप खरीद नहीं रहे थे, किसान भूख से मर रहा था, दिखाई नहीं पड़ते। किसानों के ऋण माफ करने थे, आप मौज मस्ती में व्यस्त थे। किसानों को परेशान किया जाता था, ऋण प्राप्त नहीं होता था, आप मौज मस्ती में।